हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एनएलयू दिल्ली के नाम से जरूर जानते होंगे। एनएलयू दिल्ली ने अभी रिसेंटली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी कैंडिडेट से कोई भी लॉ अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसको हम सभी लोग एनएलयू के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराया और इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये बताया है कि इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 23rd of May 2024 रखी गई है। और साथ ही साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि सेंटर फॉर ट्रांसनेशनल कमर्शियल लॉ, जिसको हम सभी लोग CTCL के नाम से जानते हैं, उसके लिए ये वैकेंसी निकाली जा रही है। यानी कि एनएलयू दिल्ली का ही ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी हायरिंग करी जा रही है। और इन्होंने क्लियरली मेंशन कराया अपने एडवर्टाइजमेंट में कि CTCL आपके कोर्सेस को डेवलप करता है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेस को, डिप्लोमा कोर्सेस को, पीजी कोर्सेस को, ऐसे ही इन पे ये काम करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने यानी कि एनएलयू दिल्ली ने हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें रिसर्च एसोसिएट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और इन्होंने क्लियरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन कराया कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है या फिर LLM ग्रेजुएट है या फिर आप PhD डिग्री होल्डर है, तो आप इनके इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी हमारे जो LLB डिग्री होल्डर है, LLM डिग्री होल्डर है और PhD डिग्री होल्डर है, जिन्होंने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ये डिग्री कंप्लीट करी है, वो इस पूरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। और इन्होंने क्लियरली अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन कराया कि कैंडिडेट के पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एकेडमिक और प्रोफेशनल। और इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि कैंडिडेट का रिसर्च राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट लेवल के होने चाहिए। ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन कराया कि जो आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी द्वारका सेक्टर 14 न्यू दिल्ली रहने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन कराया कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। यानी अगर आपकी सर्विसेज एनएलयू दिल्ली को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल से बढ़ा के आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो एनएलयू दिल्ली के साथ स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका 12 मंथ्स का बनेगा, यानी जून 2024 से लेके मई 2025 तक। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेमुनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन कराया कि आपको एनएलयू दिल्ली एज अ रिसर्च एसोसिएट 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन कराया कि अगर आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा।
आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अपना नेम टाइप करना है, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी टाइप करेंगे, यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर आप यहाँ पे अपना अपडेटेड रेज्यूमे को आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आप अपनी कोई भी पब्लिश्ड राइटिंग को यहाँ पर अपलोड करेंगे, या फिर अगर आपने कोई भी सैंपल राइटिंग नहीं कर रखी है तो फिर आप कोई भी एक इश्यू ऑफ लॉ के ऊपर 2000 वर्ड्स के अंडर में आप यहाँ पर लिखकर अपनी फाइल को अपलोड करेंगे। लास्ट में आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि आपका 500 वर्ड्स में होना चाहिए, उसको लिखकर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। मेक श्योर करिएगा कि आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत ध्यान से लिखें कि आप क्यों इनके साथ इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं। फाइनली ये सारी चीजें करने के बाद आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका ये गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा NLU दिल्ली के साथ। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि हमारा जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा NLU दिल्ली के द्वारा, उनको इंटीमेट किया जाएगा SMS के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा, और उस ईमेल में आपको डेट, टाइम और वेन्यू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी होगी कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि हमारा NLU दिल्ली इस पोजीशन के लिए कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं करा रहा है, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा NLU दिल्ली के द्वारा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को नहीं लिख पा रहे या फिर XYZ कोई भी आपकी क्वेरी है लॉ के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर आप लोग मुझे ट्विटर के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। वहां पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में ही आप अपना कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जल्दी से जल्दी पार्ट बन पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।